हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल चीज़ जो कि हम वेस्ट कपड़े को रखने के लिए बनाएंगे, बहुत ही प्यारी चीज़। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है साटन का, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और इसको अब हम सर्कल शेप में कट कर लेंगे। तो थोड़ा हम बड़े साइज़ का सर्कल शेप का कोई भी सामान लेंगे और उसी से हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बड़ी वाली सेने का यूज़ किया है और इसी से हम इसमें निशान लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम निशान लगाएंगे। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, कटिंग करने के बाद हम इसका सर्कल शेप का पीस निकाल लेंगे। ये देखिए, और इसको हम हाफ करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सर्कल शेप का कट कर लिया है। अब हमें इसकी पट्टी कट करनी है। तो इसको हम हाफ करके मेज़र कर लेंगे। तो ये 21 इंच हाफ आ रहा है, यानी कि 42 इंच ये हमारा फुल सर्कल है। तो उसी के बराबर हम पट्टी को कट करेंगे, यानी 42 है तो हम 43 कट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और कपड़ा लेंगे, इसको भी हमें सर्कल शेप में ही कट करना है। और बिल्कुल सेम साइज़ का, और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस पर भी हम ऐसा ही निशान लगाएंगे। तो ये दो पीसेस मैंने कट कर लिए हैं और अब हम पट्टी कट करेंगे 42 या 43 इंच की। तो इस वेलवेट का मैंने यूज़ किया है, आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा ले सकते हैं, पैंट का कपड़ा ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है। तो यहाँ पे मैंने वेलवेट लिया हुआ है, ये भी काफ़ी मोटा है। और अब हम इसको कट करेंगे 42 इंच लगभग ये है, और इसके बाद हम इसकी चौड़ाई कट करेंगे। लगभग ये 10 इंच की चौड़ाई इसकी है तो हम 5 इंच ही रखेंगे। यहाँ से इसको हाफ कर देंगे। ये मैंने पट्टी को फोल्ड किया हुआ है। और अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम एक पट्टी निकाल लेंगे और ये हमारी दूसरी पट्टी हो गई। तो ये 42 इंच है लगभग। अगर ये कम छोटा बड़ा आपको अगर पड़े पट्टी तो आप इसमें जॉइंट कर सकते हैं और भी कपड़ा। तो अब हमें ये जो मैंने 5 इंच की पट्टी कट की है उसको हम हाफ कर लेंगे इस तरीके से। और हमें एक ज़िप लेना है, ज़िप के साइज़ की हमें एक पट्टी इसकी इसी में से कट करनी है 42 इंच में से ही।
तो आप इसको डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम ज़िप के साइज़ का पट्टी हम कट करेंगे। तो यहाँ पर ज़िप काफ़ी बड़ी है तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे और फिर इसी के साइज़ की हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ज़िप के साइज़ का मैंने कट कर लिया है और इसमें अब हम बीसेस को हाफ़ कर देंगे। इसके बाद अब हमें इसको इसमें लगा देना है, इस तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग कर देना है। स्टिचिंग करने से पहले हम यहाँ पे गोटे पट्टी का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो सिंपल रहने दे सकते हैं या तो फिर आप कोई भी लैस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे गोटा पट्टी का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ से हम इसको इसमें लगा देंगे। ये देखिए, तो ये जो चौड़ी वाली पट्टी जो हमने 42 इंच में से हाफ कट किया है, जो बाकी का बचा हुआ है उस पर भी हम गोटा लगा लेंगे। तो 4 लाइन 5 लाइन आप गोटे की लगा लें। तो ये मैंने देखिए पट्टी पर लगा लिया है, चौड़ी वाली पट्टी पे भी और पतली वाली पट्टी पे भी, और इस पर मैंने ज़िप भी लगा ली है। और अब इन दोनों को हम फिर से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये इसमें अच्छे से हो जाएगा। तो ये मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है और अब हम इसमें सर्कल वाला पीस हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से सर्कल हाफ मैंने किया हुआ है और इसके बाद हम बीच से इसको निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे बीच से निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसकी सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। पूरा राउंड में हमें इसको ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए हो गया है, दोनों साइड मैंने सर्कल को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम यहाँ से चेन को ओपन कर लेंगे और इससे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे इसको। तो ये देखिए, इसको मैंने सीधा कर लिया। ये दो साइड से मैंने कलर लगाया हुआ है, एक ब्लू कलर लगाया है एक येलो कलर। तो आप दोनों साइड से इसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कलर का। तो दोनों कलर प्यारे लग रहे हैं इसमें, ये देखिए। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको यूज़ करना बताते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई भी बेकार वेस्ट कपड़ा हो, बच्चों का कपड़ा हो या फिर आपका कोई दुपट्टा वगैरह कुर्ती वगैरह बेकार हो और आप उसे कोई वर्क के लिए रखे हों या तो फिर आपका वेस्ट हो बिल्कुल, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। और आपको अगर जब भी ज़रूरत हो तो आप इसके ज़िप को ओपन कर कर आप इसमें से निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल स्टोरेज सेविंग है तो आपका स्पेस भी इससे कम होगा और यहाँ पे बेकार कपड़ों का यूज़ भी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा एक पिलो बनकर रेडी हो गया है। और इस तरीके से और आप बड़ा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पट्टी पतली कट की है तो आप इस पट्टी को और चौड़ा करके और बड़ा स्पेस बना सकते हैं और इसमें और सारे कपड़े फिल कर सकते हैं। जब भी चाहे आपको कोई कपड़े की ज़रूरत हो तो आप इसमें से ओपन करके निकाल सकते हैं और फिर से यहाँ पे ज़िप को क्लोज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और यूज़फुल आइडिया है ये, तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरीके से आप वेस्ट कपड़ों के से इसको ज़रूर बनाइएगा। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके से वेस्ट कपड़ों का यूज़ इसमें कर सकते हैं आप। इसको फिल कर लें और ईजी ये डेकोरेशन के लिए भी हो जाएगा और आप जब चाहे इसमें से कोई भी बेकार कपड़े निकाल सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।